नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बैंकों में रोजगार तलाश रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल IBPS ने 5800 से भी अधिक पदों पर वैकेंसी निकाली है। आपको बता दें कि 12 जुलाई को ही IBPS ने इन पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी, जिसे अगस्त में बंद कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से IBPS ने इन पदों पर वैकेंसी निकाली है। जो उम्मीदवार उस समय इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सके थे, अब उनके लिए IBPS ने दूसरा मौका दिया है। आपको बता दें कि जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, वो इन पदों के लिए 7 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों में काम करने के इच्छुक उम्मीदवार के पास सुनहरा मौका है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS ने 5800 से भी अधिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक में क्लर्क के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 7 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2021 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती के लिए आवेदन विंडो को दोबारा ओपन किया गया है। दरअसल IBPS ने 12 जुलाई को IBPS में क्लर्क के पदों पर जुलाई के महीने में वैकेंसी निकाली थी। इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट के बाद अगस्त महीने में इसे क्लोज कर दिया गया था। अब आवेदन से वंचित उम्मीदवारों को IBPS ने अप्लाई करने का एक और मौका दिया है। IBPS की नोटिफिकेशन के अनुसार जिन उम्मीदवारों ने अब तक इन पदों के लिए अप्लाई नहीं किया था, वो 7 से 27 अक्टूबर तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इन पदों के लिए आवेदन करना कैसे है। इच्छुक उम्मीदवार को ibpsonline.ibps.in पर जाकर विजिट करना होगा। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाएगा, साथ ही एक पासवर्ड के जरिए लॉगिन करके आप एप्लीकेशन की आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अगर योग्यता की बात करें तो इन पदों के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर की डिग्री का पूरा होना आवश्यक है। वहीं अधिकतम आयु सीमा को 28 वर्ष रखा गया है। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को ₹850 भुगतान करना होगा। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ₹175 निर्धारित किया गया है। उम्मीदवारों को इन पदों के चयन प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा 2 चरणों में प्रीलिमिनरी और मेन परीक्षा के तौर पर आयोजित कराई जाएगी। इस दौरान उम्मीदवारों से अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया, वेतनमान और अन्य जानकारियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो ये बैंकों में नौकरी की तलाश कर रहे नौजवानों के लिए एक सुनहरा ऑफर है। आपको बता दें कि जुलाई में ही 12 तारीख को IBPS ने इन पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी और अगस्त में इसे क्लोज कर दिया गया था। इसकी वजह से कई सारे उम्मीदवार ऐसे थे जो कि उस समय आवेदन नहीं कर पाए थे, तो इन उम्मीदवारों के लिए IBPS ने एक और मौका दिया है। आपको एक बार फिर से बता दें कि 7 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की और भी कई खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।